हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम अविनी सिंह एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. हेयर आई विल डिस्कस विद यू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए इनऑर्गेनिक का सिलेबस क्या है. तो इनऑर्गेनिक में अगर हम देखते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस चार यूनिट में डिवाइडेड है. उन चार यूनिट में हमारे पास 6 चैप्टर हमको स्टडी करने हैं. तो यूनिट फर्स्ट हमारे पास जो है, यूनिट फर्स्ट में चैप्टर हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी. यूनिट सेकेंड में चैप्टर नंबर थर्ड केमिकल बॉन्डिंग. यूनिट सेकेंड में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है हमें. यूनिट थर्ड में हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर फोर एस ब्लॉक एलिमेंट. चैप्टर 5 नोबल गैसेस एंड यूनिट फोर्थ में हमें चैप्टर 6 हमारा जो है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट. तो ये हमारा सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए. जनरली सभी टॉपिक आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो प्रीवियस ईयर में, बहुत सिंपल है. तो हम सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो पहला चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर. पहला चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ कंटेंट है, कुछ टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है. तो उस कंटेंट ये टॉपिक को हम पहले देखते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पहला टॉपिक हमें कवर करना है वो हमारा क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन. बहुत ही अच्छा टॉपिक है डी ब्रोगली इक्वेशन. सेकंड जो है वो हमारे पास हाइजेनबर्ग, ये भी आप पढ़ के आए हो, अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये कंटेंट हमें जो चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने हैं. हाइजेनबर्ग के बाद हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. इसके बाद हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस. क्या सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. क्या है साई, वेव फंक्शन है. जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे. उसके बाद हमको पढ़ना है रेडियल एंड एंगुलर. रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन. रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन नेक्स्ट हमको पढ़ना है. इसमें
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कंटेंट ज़्यादा है, पढ़ना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आगे हम बात करते हैं, ऊपर लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बाद हमें पढ़ना है शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल। उसके बाद क्वांटम नंबर पढ़ रहा है। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑफ बाओ प्रिंसिपल, ऑफ बाओ प्रिंसिपल। ऑफ बाओ प्रिंसिपल के बाद हमको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देन हमें पढ़ना है इसमें क्या, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल। नेक्स्ट पढ़ना है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड लास्ट टॉपिक इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हमारे टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट के, जिसमें से जनरली आप सभी पढ़ चुके हो, कुछ को छोड़ दिया जाए इसमें। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो भी सोल्यूशन है, रेडियल वेव फंक्शन या फिर एंगुलर वेव फंक्शन, और सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, यही टॉपिक आपके लिए नए हैं और सब लगभग आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारे कंटेंट थे चैप्टर के, जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अब हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। बेसिस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या सभी केमिस्ट्री का बेस यहीं से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे पास एक टर्म आता है एटम। भाई एटम जान ले क्या होता है। तो जैसे ये क्या है, केमिस्ट्री में इसको क्या बोलेंगे, मैटर। और मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि मैटर इज एनीथिंग विच हैव ए वेट और मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका अपना खुद का भार हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो अगर हम इस मैटर को तोड़े, छोटे छोटे पार्ट में इस मैटर को तोड़े, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है इसका, वो क्या होता है। अगर हम किसी भी मैटर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, एटम। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम क्या है भाई, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब
पहले ये माना जाता था कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, एटम को आप फर्दर छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्टिकल में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि एटम को भी आप डिवाइड कर सकते हो, एटम इज़ ए डिविजिबल, इसको आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन से पार्ट है वो हमारे? पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दीज आर नोन एज व्हाट? फंडामेंटल पार्टिकल। इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। तो भाई एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल है, ये अरेंज कैसे हैं? जो हमारे फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये एटम में कैसे अरेंज है, इसको हमें देखना है। तो इन फंडामेंटल पार्टिकल की अरेंजमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो उसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, या उसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरीज। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट हम जिस थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं, उस थ्योरी को या उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल। उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल। तो हमको क्या देखना है अब? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल क्या बताता है? कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज हैं, कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मॉडल। जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, कई सारे एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सब जो सबसे प्रिमिटिव जो स्टार्टिंग एटॉमिक मॉडल है, उसका नाम क्या है भाई? पढ़ा है ना, थॉमसन, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। सेकेंड वन इज रदरफोर्ड, सेकेंड वन इज रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। एंड थर्ड वन इज बोहर मॉडल, बोहर मॉडल। एंड लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है? सोमरफील्ड मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल। तो किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इसको जानने के लिए ये चार मॉडल दिए गए हैं। सबसे पहला और प्रिमिटिव मॉडल हमारा था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आया, देन बोहर मॉडल, और उसके बाद क्या है हमारे पास? सोमरफील्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो, बीएससी 11th और 12th में आपने ये पढ़ा हुआ है, थॉमसन और रदरफोर्ड पढ़ना क्या है हमको? यहाँ पे बोहर मॉडल पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट। वैसे तो बोहर मॉडल बीएससी के सिलेबस में नहीं है, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बोहर मॉडल दिया नहीं हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, बोहर मॉडल विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे? बोहर मॉडल की। थॉमसन और रदरफोर्ड ये आप पढ़ के आए, पढ़ चुके हो और आपको अच्छे से तैयार होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल।
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोहर मॉडल इंटरेस्टिंग है एंड इन्फॉर्मेटिव है। बोहर मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोहर ने क्या किया था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ इम्प्रूवमेंट किया था। इम्प्रूवमेंट क्या था, किसकी हेल्प से, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से, और कुछ एजम्पशंस लिए थे बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। इम्प्रूवमेंट किया विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड सम एजम्पशंस एंड गिव सम पास्टुलेट्स। अगर हम उस पास्टुलेट्स की बात करते हैं बोहर का, तो बोहर का पहला पास्टुलेट था क्या, कि न्यूक्लियस है और ये इसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है। बोहर ने पहले पॉइंट में क्या कहा, बोहर ने कहा कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट है। इनको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इन्हीं सर्कुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। एक टर्म और जोड़ा इन्होंने इसके साथ, स्पेसिफिक कर दिया, क्या कहा कि स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करते, मूव करते हैं। सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, किस में मूव करते हैं, स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर। बोहर ने कहा ये, फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इस ऑर्बिटल में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ना तो गेन करेगा और ना ही लूज करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन ऑर्बिट कैन नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, ना ही लेगा और ना ही देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो गई, फिक्स्ड एनर्जी, भाई ना ले रहा है ना दे रहा है, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। और इसी फिक्स्ड एनर्जी के कारण इस ऑर्बिट को क्या कह दिया इन्होंने, स्टेनरी एनर्जी लेवल। क्या कहा इन्होंने, स्टेनरी एनर्जी लेवल। पहले क्या कहा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं, किस में मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सपोज कर लीजिए पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो यहां से ना तो ये एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा और ना ही एनर्जी लूज करेगा, ना ही गेन करेगा और ना ही लूज करेगा, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड रही तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोहर ने क्या कहा, स्टेनरी एनर्जी लेबल। एंड नेक्स्ट वन, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर उसको बंद करिए, सर एक मिनट बंद कर बताएं, एक्चुअली ना सर उसमें वाइस यहां से, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, सपोज कर लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है, अगर यहां पे मूव कर रहा है, तो इस ऑर्बिटल में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ना तो इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको भी इन्होंने क्या कह दिया, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, दैट इज स्टेनरी एनर्जी लेवल। तो ये पहला ऑर्बिट हमारा क्या हो गया, स्टेनरी एनर्जी लेवल,
दूसरा ऑर्बिट क्या हो गया हमारा, स्टेनरियन एनर्जी लेवल। जितने भी ऑर्बिट होंगे इसके बाद, ये जितने भी सेल होंगे सभी क्या होंगे, स्टेनरी एनर्जी लेवल। क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। इलेक्ट्रॉन इसमें मूविंग के दौरान एनर्जी को ना तो लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। नेक्स्ट वन। अब आता है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी को लूज करेगा और कब गेन करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी को लूज और गेन तो करेगा ही, कंडीशन क्या है उसके लिए? तो इन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट कि ये न्यूक्लियस हमारा हो गया, ये हमारे ऑर्बिट हो गए, दिस एंड दिस वन बना लेते हैं ऐसे ही। न्यूक्लियस ये हमारा पहला सेल हो गया, के ये हमारा क्या हो गया, एल, इसको हम मान लेते हैं क्या, एम, दैट इज यहाँ पे ये फर्स्ट सेल हमारा, सेकंड सेल हमारा, और ये क्या हो गया हमारे पास, थर्ड सेल। तो इसके इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कब रेडिएट करता है और कब इमिट करता है, कब लेता है या फिर कब लूज करता है। सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल से इसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है सेकेंड एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से कहाँ मूव करके जाना है, सेकेंड एनर्जी लेवल में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी गैप के बराबर, दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। सपोज कर लीजिए यहाँ से एक फोटोन आपने दिया, इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू, और इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या मान लेते हैं हम, ई वन, और यहाँ पे एनर्जी क्या हमारे पास, ई टू। तो इलेक्ट्रॉन को कितने अमाउंट की एनर्जी चाहिए ई वन से ई टू में जाने के लिए, दैट इज द डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, ई टू माइनस ई वन, ये ई टू माइनस ई वन किसके इक्वल होगा, एच न्यू के। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हमारा, एच न्यू अमाउंट की एनर्जी लिया और फर्स्ट एनर्जी लेवल से कहाँ मूव कर जाएगा, सेकेंड एनर्जी लेवल में। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल में, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लो न्यूक्लियस से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कहाँ मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, कहाँ मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये तो लेने की बात हो गई, देगा कब, सपोज कर लीजिए अब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है थर्ड सेल में, जहाँ की एनर्जी क्या है हमारे पास, ई थ्री, इस सेल की एनर्जी क्या है हमारे पास, ई थ्री। अब इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ से आना है, ई थ्री से किस में आना है, ई टू में आना है। इलेक्ट्रॉन को ई थ्री से कहाँ आना है, ई टू में आना है। तो क्या करेगा, एनर्जी को इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, निकालेगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, डेल्टा ई इक्वल टू व्हाट, ई थ्री माइनस ई टू, किसके इक्वल होगा ये, एच न्यू के। अब यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को निकाल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है एनर्जी को। तो आ कहाँ रहा है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, हायर एनर्जी लेवल से न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, सॉरी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, और ये कहाँ है, न्यूक्लियस के पास। तो इमिट करके ये कहाँ आएगा, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इमिट करेगा तो कहाँ आएगा, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। इसमें क्या था, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेता भी है, देता भी, उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है, चाहे वो हायर हो या फिर
लोअर हो, अगर मूव करेगा एक से दूसरे में तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करेगा। अगर वो उसी एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी को वो लूज करेगा। ये था बोहर का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। तो इतना क्लियर हुआ हमें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में एक स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करता है, उसके अलावा और कहीं नहीं मूव करेगा, और उस स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी को लूज करेगा। इसलिए ऐसे एनर्जी लेवल को आप क्या कहते हैं, स्टेनरी एनर्जी लेवल। फिर क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करता है तभी वो एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी लेगा या फिर देगा, जो कि किसके बराबर होगा, उन दोनों एनर्जी लेवल के गैप के बराबर, जिसको आप क्या लिखते हो, एच न्यू। नेक्स्ट उन्होंने कहा क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, फिर से वही बात, इलेक्ट्रॉन हो गया ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गए हमारे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में प्रीवियस क्लास में कि जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी हो माइक्रो या माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट पार्टिकल कोई भी हो, जब कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस समय जो मोमेंटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस समय उसका जो मोमेंटम होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। बोहर ने कहा कि ये एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, दिस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। मतलब इस ऑर्बिटल में मूवमेंट के दौरान जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इस ऑर्बिट में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट में हो। हर एक ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड, और क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी होगी, अगर एनर्जी के टर्म में हम पढ़ रहे हैं, अगर हम एनर्जी को क्वांटाइज कर रहे हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर हम एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर रहे हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एवरी ऑर्बिट। और ने कहा कि हर एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है, हमेशा क्वांटाइज होता है, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या कहा भाई, एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस ऑर्बिटल का भी एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड, इस ऑर्बिट का भी एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, MVR, ये क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR, MVR क्या होगा, NH अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर MVR एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिट में मूव करेगा, अदरवाइज इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा मूव नहीं करेगा। देखते हैं आगे, a
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान टू पाई. एम क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग इन द ऑर्बिट. वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट. आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट. एम क्या है हमारे पास? मास ऑफ. वी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आर क्या था? रेडियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एन क्या है? सेल नंबर, सेल नंबर और या ऑर्बिट नंबर.